अरे अक्टूबर को हमारी रथ यात्रा कृष्ण जन्म मथुरा के वृंदावन से चली है और आज तीसरा दिन। पहले दिन मथुरा, मथुरा से आगरा, फिर आगरा से कल चले फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से जफरनगर होकर के अभी तक यहाँ आ गए। तो पहले तो हमने कृष्ण जन्मभूमि से इसलिए कृष्ण जी तो हमारे वंशज और महाभारत युद्ध में उनका जो साथी बने थे, एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। जब वो धर्म युद्ध हुआ, धर्म के नाम से था, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज कहे गए और धर्मराज जब कहे गए थे तो जुआ खेल गए। पहले तो जुआ खेलना ठीक बात है, लेकिन उस जमाने की होगी परिस्थितियाँ, जुआ खेला जाता होगा ये। और जब जुआ खेल करके जुआ खेलते तो दुर्योधन से खेलते, वो शगुनी से खेले। शगुनी तो कितना चालबाज था, ये चालबाज था ना। तो कहाँ शगुनी और कहाँ धर्मराज दुष्ट खेलने नहीं थे। तो और मामला था परिवार का, एक तरफ 100, एक तरफ 5 पांडव। तो कृष्ण की बड़ी भूमिका थी उसमें, उसमें बड़े बड़े लोगों ने समझाया था, तो संभाल लेना चाहिए था दुर्योधन को। 5 गाँव मान केवल 5 गाँव तक और दुर्योधन तैयार नहीं, सीधा सीधा युद्ध। और युद्ध में कहाँ गुरु द्रोणाचार्य भीष्म कर्ण जैसे महायोद्धा जिस और गुरु रहे दोनों, तो गुरु लोगों को भी समझाना चाहिए था। समझाया तो बहुत था, नहीं मानी तो ऐसी परिस्थितियाँ थी, नहीं माने लड़े। तो उसमें विशेष भूमिका भगवान कृष्ण की है, जिसकी वजह से जो देखिए धर्म पर नहीं चल रहे थे, गौरव पूरे सत्य पर नहीं चल रहे थे, अहंकार भी था दुर्योधन को। तो फिर अंत तो यही हुआ कि साथी बने कृष्ण, और कृष्ण साथी बनने से पांडव जी थे और सबका नाश हो गया, सब मारे गए। तो हमने देखिए वहीं से भगवान कृष्ण की पूजा करी, आशीर्वाद लिया और वहीं से निकले हैं।